गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 27 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हिंदू के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे अलोंग विद पीआईबी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कश्मीरी सैफरन के बारे में, बोंडा ट्राइब के बारे में भी एक क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट का जो ब्रह्मपुत्र रोपवे है उसको डिस्कस करेंगे, देन वेरियस बॉर्डर्स जो कि वियतनाम को टच करें, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को डिस्कस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने एनआई यूनिफाइड पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया उसको देखेंगे, ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लिबिया की ज्योग्राफिक लोकेशन को देखेंगे, नासा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को डिस्कस करके सब कुछ फाइनली रिवाइज करेंगे। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6-6 से ज्यादा स्कोर करना है, अगर लेस देन 6 स्कोर होता है तो उसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद रिवीजन के लिए इसे वैसे भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कश्मीरी सैफरन को लेकर है और यहाँ पे इसके बारे में चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन इसको लेकर सही है। पहली कहती है कश्मीरी सैफरन इज कल्टीवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन करेवा हाईलैंड्स और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के करेवा हाईलैंड्स के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है, हो सकता है। इट इज गिवन द GI टैग बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो GIR ने इसे GI टैग ऑलरेडी दे दिया है। कैसे दिया हुआ है सोचिएगा। द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कश्मीरी सैफरन आर इट्स लॉन्गर एंड थिनर स्टिग्मास। तो इसका जो स्टिग्मा होता है वो लंबा होता है और थिन होता है, हो सकता है। इट हैज नेचुरल डीप रेड कलर, इसका जो कलर है उसके बारे में बताया, हाई एरोमा एंड बिटर फ्लेवर, और जो इसका टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, न्यूज में इस वजह से था क्योंकि अभी रिसेंटली एक ई ऑक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक ई ऑक्शन पोर्टल जो है उसे स्टार्ट किया है GI टैग कश्मीरी सैफरन के लिए, ताकि जो सेलर्स और बायर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया जा सके और वो सेल परचेज आसानी से कर सके। इसी वजह से ये जो कश्मीर सैफरन है, ठीक है, ये न्यूज में था। इसे कारेवा रीजन के अंदर ही उगाया जाता है। कारेवा रीजन जो है वो ज्योग्राफी के जो हम MCQ करेंगे मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, NCERT में भी अगर आप पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर शब्द जो है यूज किया हुआ है वहां पर भी, और ये फैक्ट जो है वहां पर भी मेंशन किया हुआ है। GI टैग इसे ऑलरेडी दिया जा चुका है तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एक बार पहले फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसके कलर की बात करें तो ये डीप रेड कलर का होता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और एरोमा इसका काफी तेज होता है और बिटर इसका टेस्ट होता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर तीसरी स्टेटमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे लॉन्गर तो ये होता है जो मैं अभी आपको फोटो में दिखाऊंगा, लेकिन द स्टिग्मा इज वेरी थिक। स्टिग्मा जो होता है वो थिक होता है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, काफी लंबा होता है और कंपेरेटिवली दूसरे सैफरन के कंपेरिजन में ये थिक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। यहाँ पे पूछा गया कि दो स्टेटमेंट आपको दे रखे बोंडा ट्राइब के बारे में, और पूछा है बोंडा ट्राइब के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी इनकरेक्ट है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है बोंडा ट्राइब रिसाइड इन उड़ीसा, तो उड़ीसा के अंदर ये ट्राइब रहती है, हो सकता है। इट इज अ नॉन PVTG, ये नॉन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो पहली स्टेटमेंट को देखा जाए तो बोंडस क्या उड़ीसा में रहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उड़ीसा तो जाना ही ट्राइब्स के लिए जाता है, 62 ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पर पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा डाइवर्स स्टेट माना जाता है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें, बोंडस जो है अपने आप में ही यूनिक हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7000 के आसपास है, एंड इट इज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। PVTG का जो स्टेटस है वो बोंडस ट्राइब को दिया हुआ है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो सुंदरगढ़ जो रीजन है यहाँ पे, इसके अलावा रायगढ़ रीजन है, मलकानगिरी है, मयूरभंज, यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा ए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सेकंड इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ब्रह्मपुत्र रोपवे के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ये पर्टिकुलर ब्रह्मपुत्र रोपवे को लॉन्च किया है। तो क्या सिक्किम ने किया है, असम, वेस्ट बंगाल या फिर मणिपुर। सोचिए क्या आंसर होगा। 1.8 किलोमीटर का ये एक रोपवे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस लॉन्च किया गया है और इसे अभी तक का इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे भी कहा गया है। तो सोचिए कहां पे इसे लॉन्च किया गया है। चलिए तो आंसर हमारा है यहां पर बी, असम। असम के अंदर इस लॉन्गेस्ट रोपवे को लॉन्च किया गया। कुछ और चीजें देख लीजिए इसके बारे में कि किस किस को ये कनेक्ट करेगा। चलिए यहाँ पे वेरियस टाइप के रोपवेज दिए, मैंने आपको बताया कि 1.8 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रोपवे है, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो 2.5 किलोमीटर वाला भी है, 4 वाला भी है, 2 वाला भी है। सो 1.8 किलोमीटर का जो अभी ब्रह्मपुत्र रोपवे बनाया है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, ठीक है।
ऐसे तो हमारे पास 4 किलोमीटर का भी है, ये ओली के अंदर है उत्तराखंड में और इसे लॉन्गेस्ट इन द कंट्री कहा गया है, बट ये रिवर रॉप वे नहीं है। तो ये जो 1.8 किलोमीटर का है और जो 4 किलोमीटर का, इसमें डिफरेंस यही है, 4 किलोमीटर का पूरी कंट्री में लॉन्गेस्ट है। और अगर रिवर रॉप वे की बात करी जाए लॉन्गेस्ट की, तो वो अभी वाला है हमारा ब्रह्मपुत्र, जो कि गुवाहाटी सिटी को और नॉर्थ गुवाहाटी टाउन को अक्रॉस द रिवर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक 2.5 किलोमीटर का रॉप वे है जो कि गुलमर्ग जेएनके में वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रॉप वे है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अभी वाला जो रीजन है ये गुवाहाटी को गोविंद टेम्पल से कनेक्ट कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्विन बैक सिंगल होल बाई केबल इसके अंदर यूज करी गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो कनेक्टिंग है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर भी आपने देख लिया था, ब्रह्मपुत्र रिवर के अक्रॉस बनाया गया है असम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर टच वियतनाम। देखिए वियतनाम अभी न्यूज में था क्योंकि 17th मीटिंग हुई है अभी इंडिया वियतनाम की ज्वाइंट कमीशन के ऊपर, जिसमें ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के ऊपर बात करी गई है दोनों कंट्रीज के बीच में। और क्योंकि ये कंट्री न्यूज में थी, इसी वजह से ज्योग्राफिक लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका जो बॉर्डर है किस किस कंट्री को टच करता है ये आपको बताना है। क्या चाइना को करता है, लाओस को करता है, कंबोडिया, थाईलैंड, सोचिए। चलिए तो एक बार मैप में आपको दिखा देता हूं मैं, तो ऊपर चाइना को आप देख रहे हैं ये टच कर रहा है, देन लाओस को भी यहां पर ये टच कर रहा है, देन थाईलैंड को देखिए टच नहीं कर रहा है, थाईलैंड को लाओस टच कर रहा है लेकिन वियतनाम नहीं कर रहा है, लेकिन कंबोडिया को ये टच कर रहा है। और ये मीकोंग रिवर जो है ये आप देख सकते हैं बीच में से, और वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई ये भी यहां पर दी हुई है। एक बार देख लेते हैं, तो यहां पे चाइना, लाओस, कंबोडिया तीनों ही टच कर रहे हैं लेकिन थाईलैंड इज नॉट टचिंग द बॉर्डर ऑफ वियतनाम। आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया वियतनाम की जो ये 17th मीटिंग हुई है इसके अंदर काफी ज्यादा बायलेटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने की बात करी गई है, जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में भी बात करी गई है, जिसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन बनाया है, डिस्कस करेंगे। आसियान के आउटलुक के ऊपर भी यहां पर दोनों देशों के बीच में डिस्कशन जो है वो करी गई है, एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ के बारे में भी बात करी गई है। जैसे कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करी गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करी गई है, आसियान के बारे में बात करी गई है, इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई है, यही पॉइंट्स आपको मेंस के अंदर लिखने होते हैं अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे हमारा आंसर मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट IPOI, इंडिया पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां पे IPOI के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, वन बाय वन देखते हैं और आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है IPOI वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। IPOI इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, हो सकता है। इट वॉज लॉन्च्ड एट ईस्ट इंडिया समिट इन 2019 की ईस्ट इंडिया समिट में इसे लॉन्च किया गया था, ये भी हो सकता है। इट फोकसेस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे IPOI के बारे में जो बातें करी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट इंडिया समिट 2019 में इसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहली 2 स्टेटमेंट हो जाती हैं ठीक। इसके अंदर बेसिक 7 ऐसे पिलर्स हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक उसके अंदर से पिलर है। इसके अलावा मैरीटाइम इकोलॉजी की बात भी इसमें करी जाती है, मैरीटाइम रिसोर्सेज की बात करी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जाती है, रिसोर्स शेयरिंग की बात करी जाती है, डिजास्टर रिस्क की बात करी जाती है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे किया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करी जाती है, एकेडमिक कोऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों के बारे में इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के ऊपर बात करी जाती है। तो काफी एक आप कह सकते हैं वास्ट लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। हमारा जो आंसर यहाँ होगा ए, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है NRI यूनिफाइड पोर्टल के बारे में बात करता है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अभी लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है वो तो हम देखेंगे, बट पहले किस गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, यूपी गवर्नमेंट ने किया है, पंजाब या फिर केरला ने किया है। चलिए तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है NRI यूनिफाइड पोर्टल को, इसी वजह से आंसर हो जाता है आपका बी। बेसिकली इस पोर्टल के अंदर होगा क्या वो मैं आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है एक डेटाबेस क्रिएट करेगी, प्रिपेयर करेगी
और इस डेटाबेस के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, जो स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बाकी कंट्रीज के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, उनका एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, ताकि कभी भी ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो यूपी के पास डेटा होगा कि उनके कितने लोग बाहर हैं और किस किस को मदद या सहायता करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो ये जो चीज होगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सकेगी, लेकिन अगर डेटा ही नहीं होगा तो इसका पता नहीं चल पाएगा। मान लीजिए कि हमारे यूपी के 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि लीबिया के अंदर हैं, और लीबिया के अंदर कोई इमरजेंट सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो अब यूपी को पता होगा कि हमारे 10,000 लोगों को वहां पर हेल्प प्रोवाइड करने की जरूरत है और एक एक्शन जो है वो लिया जा सकेगा। लेकिन अगर ये डेटा ही नहीं होगा हमारे पास तो ये जो एक्शन है नहीं लिया जा सकेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हो सकता है बाकी के स्टेट्स भी इसको जो है फॉलो करें और मे बी ऑल इंडिया लेवल पे भी इस तरीके का डेटाबेस क्रिएट किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको यहाँ पे अबाउट ब्रिक्स इनोवेशन बेस। तो ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके बारे में बताना है आपको। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है इट इज प्रपोज बाय इंडिया, तो ये जो ब्रिक्स इनोवेशन बेस है इसको इंडिया ने प्रपोज किया है। सेकेंड, इट विल फोकस ऑन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमंग 5 ब्रिक्स नेशंस। तो यहाँ पे जो फोकस की बात करी जा रही है ब्रिक्स नेशंस के बीच में, वो 5G टेक्नोलॉजी और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी जा रही है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर ब्रिक्स नेशंस में आपको पता है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और एस बाद में ऐड किया था साउथ अफ्रीका। यहां पर इस पर्टिकुलर इनोवेशन बेस के अंदर, ब्रिक्स इनोवेशन बेस के अंदर बात करी जा रही है कि कैसे इन कंट्रीज के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कॉपरेशन कर सके और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर कॉपरेशन कर सके, ताकि डेवलपमेंट हो सके इन एडवांस टेक्नोलॉजी का इन कंट्रीज के अंदर। और ये जो आइडिया रखा गया है, ये रखा गया है चाइना के द्वारा, ना कि इंडिया के द्वारा। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी वो बतानी थी आपको, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लीबिया को लेके, क्योंकि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं चल रही है लीबिया के अंदर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है 2011 से। आपको बताएं कि गद्दाफी के टाइम से, 2011 से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो शुरुआत हुई थी, और उसके बाद भी अभी डीएस्केलेशन का यहाँ पे निशान नहीं दिख रहा है। राइवल अथॉरिटीज हैं, वेरियस ग्रुप्स बन गए हैं और यहाँ पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और सीज फायर का यहाँ पे दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, और इसी वजह से लीबिया अगेन न्यूज में था। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज एडजेसेंट टू लीबिया, लीबिया के एडजेसेंट में कौन सा सी फॉल करता है, क्या वो रेड सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई और ही सी है, ऐसा सी जिसकी बाउंड्री लीबिया से टच करती है। सोचिए। चलिए मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूं ये। तो दिस इज लीबिया। लीबिया के यहां पर नॉर्दर्न रीजन में देखेंगे, नॉर्दर्न साइड पे तो मेडिटेरेनियन सी है, जो कंट्रीज टच करती है वो भी देख लीजिए, इजिप्ट टच कर रहा है इसको ईस्टर्न साइड पे, सूडान है इसके साउथ ईस्टर्न साइड पे, देन साउथ में नाइजर और चैड है, वेस्टर्न साइड पे अल्जीरिया है, एंड देन नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे ट्यूनिशिया है। तो ये जो लोकेशन है एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए लीबिया की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो अभी भी जारी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, मेडिटेरेनियन सी इज द करेक्ट आंसर। आसपास की कंट्रीज है वो भी देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं बेसिकली, एस्ट्रॉइड को लेकर ये स्टेटमेंट्स है, क्योंकि नासा का भी बयान आया था इसके ऊपर, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर नासा एस्ट्रॉइड दैट आर 140 मीटर्स और लार्जर आर ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसर्न, नासा की स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसे एस्ट्रॉइड जो कि 140 मीटर या इससे बड़े होते हैं वो हमारे लिए खतरे का एक कारण हो सकते हैं। सेकेंड, नो एस्ट्रॉयड लार्जर देन 140 मीटर्स हैज अ सिग्निफिकेंट चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, अगले 100 सालों तक 140 मीटर या इससे बड़े जो एस्ट्रॉयड होंगे उसका अर्थ को क्लैश करने के जो चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे नासा के द्वारा स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड जो है अगले 2-3 महीनों के अंदर जो है अर्थ को कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी रखता है। जो नासा है उसने बताया कि जो परसेंटेज है वो काफी कम है, अराउंड 0.4
41% है इसको जो क्लैश करने की एक पॉसिबिलिटी बताई गई है, लेकिन उसमें भी ये बताया गया क्योंकि जो इसका साइज है वो अराउंड 2 मीटर के आसपास है, तो वो एटमोस्फेयर के अंदर होते ही बर्न होना शुरू हो जाएगा और अर्थ तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा नासा का कहना है कि ये ऑटोमोबाइल के साइज का एक एस्ट्रॉयड है जो कि चांसेस काफी कम है कि अर्थ तक पहुंच पाए, और वैसे भी टकराने के चांसेस तो अपने आप में ही काफी कम है। तो इसी वजह से नासा ने स्टेटमेंट दिया था कि 140 मीटर या उससे बड़े, ये तो सिर्फ 2 मीटर का है, 140 मीटर या उससे बड़े जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो हमारे लिए खतरा होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, और ये भी कहा गया कि अगले 100 सालों तक ऐसा नहीं दिखता है कहीं पे भी कि 140 मीटर या उससे बड़ा कोई एस्ट्रॉयड अर्थ के आसपास भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर पूछा गया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2019। हो सकता है इट सीक्स टू कट द कंसेंट्रेशन ऑफ कोरस एंड फाइन पार्टिकल्स बाय एटलीस्ट 10% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो कोरस एंड फाइन पार्टिकल्स हैं उसको 10% तक कट डाउन कर दिया जाए अगले 5 सालों के अंदर। ये भी हो सकता है इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। ये पहला अपने आप का एक ऐसा एफर्ट होगा जिसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करी जाएगी और इसमें रिडक्शन टारगेट्स जो है वो भी टाइम बाउंड मैनर में सेट किए जाएंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में इसे जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया था, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कट डाउन करने की बात करी जा रही है कॉन्सेंट्रेशन को अगले 5 सालों में, लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन कम करने की बात करी गई है ये 20% तक करी गई है, ना कि 10% तक। और ये अपने आप में ही अगर बात करी जाए पहला प्रोग्राम होगा जिसमें टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट जो है वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर वो सेट किए जाएंगे। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा हो जाता है बी। तो यहाँ पे कट डाउन करने की बात करी गई है कोरस कॉन्सेंट्रेशन को। कोरस कॉन्सेंट्रेशन में क्या आता है, इसमें पार्टिकुलेट मैटर 10 या उससे कम के जो आपके साइज के डायमीटर के जो मटेरियल होते हैं वो आते हैं, और अगर हम फाइन पार्टिकल की बात करते हैं तो इसमें पीएम 2.5 या उससे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है। अब न्यूज में क्यों था, क्योंकि देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को लिखा और डायरेक्ट भी किया कि आप अपने एनसीएपी दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को चेंज करिए, और उन्होंने प्रपोज किया कि 2024 तक आपको जो रिडक्शन करना है वो 20-30% तक करिए, इससे कम मत करिए। तो यहां पे एनसीएपी को मॉडिफाई करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है, और इसके अंदर और कुछ चीजें भी कही गई हैं। पॉल्यूशन कट के बारे में बात करी गई है 30% तक, और साथ में जो सिटीज कवर करने की बात करी गई है वो भी यहां पे बताया गया। साथ में जो इंटरनेशनल सपोर्ट एजेंसीज रहेंगी वो भी बताया है कि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर आपको हेल्प करेगा, स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, AFDA है, ब्लूमबर्ग है, तो ये सब आपको हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जाए तो नेशनल एमिशन इन्वेंटरी बनाने की भी बात करी गई है, एयर इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर डेटा एनालिसिस बनाया जाएगा, सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज करी जाएंगी, गाइडलाइंस दी जाएंगी इंडोर एयर पॉल्यूशन के लिए, और साथ में ही रूरल मॉनिटरिंग स्टेशन के बारे में भी बात करी गई है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, अभी हम 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करेंगे, इसको मिस मत करिएगा, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे एंड विनर ऑफ द डे को भी देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कश्मीरी सैफरन के बारे में, मैंने आपको बताया था स्टेम इसका थिक होता है, लॉन्ग होता है, इसका रंग बिल्कुल रेड कलर का डीप कलर का होता है, हाई एरोमा होता है, थोड़ा सा कड़वा इसका टेस्ट होता है। जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, कारेवा रीजन के अंदर ये उगाया जाता है। अभी रिसेंटली एक ई पोर्टल इसके सेल परचेज के लिए स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, इसी वजह से इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था। बोंडस ट्राइब न्यूज में थी, कहां पे रहती है, उड़ीसा में, पीवीटीजी ग्रुप है। उड़ीसा वैसे भी डायवर्सिटी ऑफ ट्राइब्स के लिए जाना चाहता है, 62 टाइप की ट्राइब्स जो है वो उड़ीसा के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद डिस्कशन हमने किया था ब्रह्मपुत्र रोपवे का, और यहाँ पे अपने आप में रोपवे रिवर के ऊपर जो बनाया गया है अपने आप में सबसे लंबा है, असम के द्वारा बनाया गया है, 1.8 किलोमीटर का, जो गुवाहाटी सिटी और नॉर्थ गुवाहाटी टाउन को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा हमने ओल्डेस्ट देखा था, दार्जिलिंग के अंदर है, 4 किलोमीटर सबसे लंबा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, ये भी देखा था। देन 2.5 किलोमीटर का जो बनाया गया वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, वो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था वियतनाम के बारे में, 17th मीटिंग हमारी जो हुई है, तो चाइना लाओस कंबोडिया का जो बॉर्डर है वो टच करता है वियतनाम को, ये हमने डिस्कस किया था। मीकोंग रिवर के बारे में भी यहाँ पे जाना था। इसके बाद इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में देखा था, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2019 के अंदर ईस्ट इंडिया समिट के दौरान, फोकस
फोकस इसका रहता है 7 बेसिक पिलर्स के ऊपर, जिसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी होती है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है, मैरिटाइम रिसोर्सेज होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ट्रेड कनेक्टिविटी होती है, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर आता है। ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने NRI यूनिफाइड पोर्टल के बारे में देखा था। तो योगी आदित्यनाथ जो हमारे CM है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसे लॉन्च किया है ताकि डेटाबेस क्रिएट किया जा सके कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ताकि जब भी उनको जरूरत होगी असिस्टेंस प्रोवाइड उनको करी जा सकेगी। देन हमने देखा था इसके बाद ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में, इसे चाइना लेके आया है, चाइना ने प्रपोज किया है। 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसमें बात करी जाएगी, ताकि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो आपस में कॉपरेट करके 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ अच्छा डेवलप कर सके। फिर हमने लीबिया के बारे में देखा था। लीबिया न्यूज में था क्योंकि 2011 से ही यहां पे प्रॉब्लम चल रही है, अभी दोबारा से भी न्यूज में था। पूछा गया कि इसके साथ कौन सा सी लगता है, मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, अल्जीरिया, टूनिशिया, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए कंट्रीज हैं। और अगर सी की बात करी जाए तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर मेडिटेरेनियन सी जो है वो इसको टच करता है। इसके बाद हमने नासा के बारे में देखा था, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, अभी 2 मीटर के आसपास का एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड जो है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ से टकरा सकता है, लेकिन डरने की बात यहां पे नहीं है क्योंकि नासा ने कहा है कि यहां पर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बर्न आउट हो जाएगा। हमें डर की जरूरत है तो वो सिर्फ 140 मीटर से, इससे बड़े एस्ट्रॉइड से, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकते हैं अर्थ को, अदरवाइज जो छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं नहीं पहुंचा सकते किसी भी तरीके का नुकसान। और अगले 100 सालों में 140 मीटर से इससे बड़ा कोई एस्ट्रॉइड जो है अर्थ के इर्द गिर्द भी, इसकी संभावना काफी कम बताई गई है नासा के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में लॉन्च किया था, और यहां पे जो कोरस एंड फाइन पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम करने की बात करी गई है वो 20% करी गई है, एटलीस्ट 20%। साथ में ये फर्स्ट एवर एफर्ट रहेगा जिसमें टाइम बाउंड रिडक्शन की बात करी गई है। न्यूज में इस वजह से था क्योंकि NGT ने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कहा है कि आप इसे 30% रिडक्शन करिए बाय 2024, और ये सब चीजें भी हमने इसमें डिस्कस करी थी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए रिवीजन के बाद। अब व्हाट इज सुपर ऐप, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, वो प्लीज मुझे बताइएगा। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था रीना कुमारी ने उसका करेक्ट आंसर दिया है, तो आप मुझे बता दीजिएगा networkprep@gmail.com पे मेल करके कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी भाषा में चाहिए या इंग्लिश भाषा में। जितना भी आपने स्कोर किया है, 6 या 6 से कम भी किया हो तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। less than 6 स्कोर किया है तो इसे इमीडिएटली रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। more than 6 या 6 के इक्वल आपने स्कोर किया है तो 24 आवर्स के बाद इसे रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।